हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोग नाम सिमरन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो हमें उस वक्त में सुस्ती और नींद क्यों आती है। आपने खुद से भी बहुत बार महसूस किया होगा या आपने किसी से सुना भी होगा कि जब भी हम नाम सिमरन करने के लिए बैठते हैं, कोई मंत्रा जाप के लिए बैठते हैं हाथ में माला लेकर, है ना, तो वो माला हाथ से छूट जाती है। थोड़ी देर में ही, 2-4 मिनट में ही सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, उबासियाँ आती हैं, मतलब कि इतनी सुस्ती आ जाती है कि झपकियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं कि हम लोग पाठ पूजा कर ही नहीं पाते हैं। तो उनको हमेशा होता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। कई बार हम लोग बैठते हैं, हम बहुत फ्रेश बैठते हैं, ये नहीं कि हमें नींद होती है, हम फ्रेश बैठते हैं, बट स्टिल व्हेन वी डू द नाम सिमरन तो हमें एकदम से सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें नींद आती है, सुस्ती आती है उस वक्त में? कहते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस वक्त जो हमारी एक हायर सेल्फ हमारे अंदर है, बोलते हैं एक ऐसी आत्मा जिसको कि हमारे पिछले सभी जन्मों का ज्ञान उसके अंदर होता है। मतलब कि जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, पर वो जो एक सोल है वो अंदर एक सेम ही होती है। तो उसके अंदर आपके पिछले जन्मों का सारा ज्ञान, आपके सारे लेसन्स जो आपने पिछली ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ बर्थ में आपने जो चीज़ें सीखी, गलतियाँ की, वो सब ज्ञान आपके अंदर होता है। पर जब आप आते हो इस धरती पे तो वो आपको बोलते हैं ना, एक उस प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से अंदर से आपके डिलीट कर देते हैं ना, जैसे कि उस तरीके से कि आपको सब कुछ भूल जाता है। तो जब आते हो, जैसे कि आपका दिमाग इट्स इन अ स्लीपिंग स्टेट, तो जब आप पाठ पूजा नाम सिमरन में आते हो तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर होती हैं, इट ट्राइज टू पुल यू डाउन। मतलब कि वो नहीं चाहती हैं कि आप पाठ पूजा करें और आपका एक स्पिरिचुअल लेवल ग्रो करें आप, और आप उस हायर सेल्फ में कनेक्ट हों, या आप स्पिरिचुअली ग्रो करके आपकी एनर्जी प्योर होनी शुरू हो जाए। तो वो चीज़ें आपके लिए एक बाधा पैदा करती हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर है। तो वो हमेशा कोशिश करती हैं कि आपको किस तरह से कि आप पाठ पूजा करें ही ना, आपका मन ही ना लगे। कई बार आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि हमें पाठ पूजा करने में ही मन नहीं होता। तो सोचिए, वो बोलते हैं हम लोग बैठते तो ज़रूर हैं पर पता नहीं कर ही नहीं पाते, उस वक्त में मन ही नहीं लगता। तो ये एक चीज़ है आपके अंदर। वो बोलते हैं ना, हर किसी के अंदर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपको हर वक्त हर सिचुएशन को संभालने में गाइड करती है। जो अच्छी आवाज़ है वो आपको हमेशा कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करेगी, पर जो नेगेटिव है वो आपको हमेशा बुरे तरीके में कुछ बुरा करने के लिए बोलेगी। तो आपको विद डूइंग योर प्रेयर्स एवरी डे और अपनी मेडिटेशंस के साथ उसी तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है कि आपको किस आवाज़ को सुनना है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है ज़िंदगी में। मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो, छोटी छोटी बातें रोज़ की, वो आपको समझना होता है कि आपको उस आवाज़, दो आवाज़ों में से कौन सी गाइडेंस आपको सुननी है। तो जब आप पाठ पूजा करते हो तो वो जो बुरी एनर्जीज हैं वो पूरी तरह से कोशिश करती हैं कि आपको किस तरीके से रोका जाए कि आप उस अच्छी एनर्जी में कनेक्ट ही ना हो पाए। उसी के कारण आपको नींद आती है और सुस्ती आती है। जब भी आप पाठ पूजा के लिए बैठते हो, आप देखोगे सुस्ती आती है आपको ना, उबासियाँ आती हैं। जब उबासियाँ, आप मुंह खोल खोल के आप ज़ोर ज़ोर से उबासियाँ लेनी शुरू कर देते हो। वैसे आप नॉर्मली चलते फिरते आप बिल्कुल ठीक होते हो, पर देखते हो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग योर नाम सिमरन तो आपको अंदर से उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप पूरा मुँह खोल खोल के उबासियाँ लेते हो। इसका मतलब क्या है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, वो जैसे बोलते हैं ना एक अच्छी एनर्जी, उस एनर्जी को अंदर से धकेल के जैसे बाहर फेंक रही है। तो जब भी आपको उबासियाँ आती हैं तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, समझिए एक बुरी ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है जो कि बहुत टाइम से अंदर जमी हुई है। इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप नाम सिमरन करते हो तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, हमेशा कोशिश कीजिए थोड़ा ज़ोर से बोल के पाठ कीजिए। मतलब अगर आप कोई भी गायत्री मंत्र या कुछ भी श्लोकास पढ़ते हो, या फिर आप पाठ करते हो, जपजी साहब, जाप साहब, कोई भी नाम सिमरन नाम करते हो तो आप कोशिश कीजिए, या आप मंत्रा जाप करते हो माला के ऊपर तो आप हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप पाठ पूजा करते हो आप लाउड बोल के कीजिए, मतलब ज़ोर से उसको बोल के कीजिए। उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। इट हेल्प्स यू अ लॉट टू अ लिमिट कि आप उस नींद को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपना नाम सिमरन पूरा कर सकते हो। इसके अलावा कोशिश कीजिए कभी भी बेड पे बैठ के पाठ पूजा मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है, बेड हम लोग
ऑब्वियसली सोने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी और दिमाग को ऑटोमेटिकली पता है कि अगर हम लोग बेड पे हैं इट्स अ टाइम टू बी कंफर्टेबल, सोने का टाइम है या फिर कंफर्टेबल होने का टाइम है। तो जब आप नाम सिमरन के लिए भी वहाँ पे बैठ जाते हो तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती। कोशिश कीजिए कि हमेशा किसी चेयर पे बैठ के या फिर ऐसी जगह पे नीचे बैठ जाइए, फ्लोर पे ऐसी जगह पे पाठ कीजिए जहाँ पे कि आपका एक कंफर्ट लेवल नहीं है बेड जैसा बैठने वाला, ताकि आप अपना नाम सिमरन अच्छे से कर सकें। खुली हवा में बैठने की कोशिश कीजिए, बालकनी में बैठ गए या फिर कहीं पे भी आप बैठे हो, आपका मन शांति से एकाग्रित हो, ताकि या फिर कोई व्यू हो बाहर थोड़ा बहुत, आपको खिड़की से कुछ दिख रहा है आसपास, ताकि आप अच्छे से बैठे हो और आप अपना नाम सिमरन अच्छे से कर पा रहे हो और उसको पूरा कर पा रहे हो। इसके अलावा सत्संग में जा सकते हैं जहाँ पे सभी कई लोग इकट्ठे होकर पाठ पूजा करते हैं, वो भी अच्छा होता है। या फिर घर में अगर कोई पाठ कर रहा है, आपके मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी पाठ कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए उनके साथ बैठ के उस वक्त में पाठ पूजा कीजिए। दिन में जब भी हम लोग पाठ पूजा करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग नहा धोकर बैठते हैं, पर अगर आप अगर अर्ली, बहुत ही अर्ली उठते हो सुबह पाठ पूजा करने के लिए, तो आपको मन नहीं है, अगर बहुत जैसे ठंड होती है ना, ठंड का टाइम है, आपको सुबह उठ के नहाने का मन नहीं होता है, सुबह का 5-6 का टाइम है, तो आप कहते हो कि चलो मैं वैसे ही बैठ जाऊँ, तो उस टाइम भी कोशिश कीजिए मुँह हाथ धोकर पानी पीकर देन यू सिट टू डू योर पाठ पूजा। मतलब ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा लाउड बोल के पाठ करो ताकि आपको नींद ना आए। पर उसका रियल रीज़न यही है कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हमें कोशिश करती हैं रोकने की, ताकि हम लोग नाम सिमरन ना कर सकें। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने आप को ट्रेन करना है, लाउड मंत्रा जाप या फिर आप पाठ पूजा जो भी करते हो आप उसको थोड़ा ज़ोर से बोल कर करो, और कोशिश कीजिए तब बैठिए जब आप बिल्कुल फ्रेश हो या आपके आसपास कुछ मोमेंट है, ताकि आपकी एक आदत बन सके। क्योंकि देखिए जब भी आप नाम सिमरन करते हो रोज़ का, आपकी एनर्जी क्लिनजिंग तो होती होती है, आपका मन शुद्ध होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, और धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें जब आपको बहुत 2-4 महीने होंगे आप करते जा रहे हो, तो आप देखोगे इन चीज़ों में अपने आप से ही कमी आनी शुरू हो जाती है, आपको आगे की तरह नींद नहीं आ रही है, सुस्ती नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग रिड ऑफ दोज नेगेटिव एनर्जीज इनसाइड यू। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग योर नाम सिमरन, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें तो नींद आती है, हमसे तो होता ही नहीं है। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे ट्राई टू डू योर नाम सिमरन एंड मेडिटेशंस, हर रोज़ का करिए। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।